जिनका ब्लड प्रेशर जब वो हमारे पास आए थे तब 240 था। कि दुनिया में ऐसा कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, जो कंट्रोल ना करनी पड़ेगी। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें चीनी चिकनाई का परहेज करना पड़ेगा, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, हमें वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर के मरीज की, हर एक मरीज की अलग दवाई चलती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान गुप्ता। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनका ब्लड प्रेशर जब वो हमारे पास आए थे तब 240 था। फिर हमने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और उनको उस दवाइयों से वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की जवानी सुनते हैं कि उनका हमारे ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहना है। मैं राजपाल सिंह बिश्नोई, जिला में, मेरा बीपी 240 के आसपास रहता था। अब मैं जब से यहाँ आगरे में आया हूँ और ईशान गुप्ता जी का मैंने ट्रीटमेंट किया है, तो अब मेरा बीपी 150-140 के आसपास आ गया 10 दिन में। तो मैं इनके ट्रीटमेंट से बहुत संतुष्ट हूँ। जैसा कि आपने सुना कि राजपाल जी का बीपी भी कंट्रोल हो गया, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे हम बीपी को कंट्रोल करें, बीपी के मरीजों के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उनको कैसे ट्रीटमेंट फॉलो करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो कृपया इस वीडियो को देखते रहिए। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है बहुत ही गंभीर बीमारी। इस बीमारी से दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ग्रसित हैं और जिस बीमारी के ये कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इससे जूझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपको देता रहूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हम लोगों ने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। ऐसा कोई, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने हाइपरटेंशन का नाम ना सुना हो। हर एक के घर में, परिवार में, यार दोस्तों में इस बीमारी से ग्रसित काफ़ी लोग होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों को ये बीमारी अक्सर लगती है। पर क्या हम इस बीमारी को इतनी गंभीरता से लेते हैं? शायद नहीं। हम लोग को लगता है कि हाइपरटेंशन से कुछ नहीं होता, एक दो दवाई खाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, पर इसकी गंभीरता को हम नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन जो बीमारी है, इसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम इसको नज़रअंदाज करें और बीपी को कंट्रोल ना करें तो एक विकराल रूप भी ले सकती है और इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब है कि ब्लड माने खून, प्रेशर माने दबाव, मतलब खून का दबाव। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड पंप होता है, जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। इस ब्लड से ही हमारा पूरा शरीर चलता है, हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे फेफड़े, हमारा पेट, हमारे लिवर, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब ब्लड से चलते हैं। ब्लड उन्हें ऑक्सीजन देता है, उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, उनको प्रोटीन देता है और हमारे जो अंग में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको उसमें से निकालता है, फिर किडनी में ले जाता है, किडनी में ब्लड की सफाई होती है, लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। तो जो हमारा पूरा शरीर होता है वो ब्लड से चलता है। और ब्लड कैसे बहता है हमारे शरीर में? ब्लड बहता है हार्ट के द्वारा। जी हाँ, जो दिल होता है हमारा वो एक पंप की तरह काम करता है, जो कि ब्लड को पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है। जब ये दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब सिस्टोल होता है हार्ट का, ये सिस्टोल है, तब ये ब्लड को नसों में फेंकता है, मतलब कि आर्टरीज में ये इसको पंप करता है। ब्लड प्रेशर को जब हम नापते हैं तो ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी ऐसे देखते हैं, जैसे कि 120/80, 130/90, इस तरह से देखते हैं। जो ऊपर की संख्या, यानी कि जो 120 हमने लिया, ये सिस्टोलिक ब्लड होती है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो जो दबाव डाला दीवार पर नसों की, और जब हार्ट ने रिलैक्स किया, वो जो दबाव डाला नसों की दीवार पे, तो इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जरूरी होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर ही नहीं होगा हमारी आर्टरीज में तो ब्लड पंप ही नहीं हो पाएगा। पर जब यही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर पर चला है तो इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन जो है इसकी भी स्टेजिंग होती है, मतलब जब ब्लड प्रेशर 140 से 160 के बीच में सिस्टोलिक है और 90 से 100 के बीच में डायस्टोलिक है, तो उसे स्टेज वन हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जब ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर क्रॉस कर गया और नीचे का 100 से ऊपर क्रॉस कर गया, तो उसे हम स्टेज टू हाइपरटेंशन बोलते हैं।
जो 95% हाइपरटेंशन होता है वो असेंशियल हाइपरटेंशन होता है, और जो 5-6% हाइपरटेंशन होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें कि कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि किसी की किडनी खराब हो जाए या किडनी की आर्टरी सिकुड़ जाए, जैसे रिनोवास्कुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाए जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो जाए, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशन जैसे कि दर्द निवारक गोलियाँ जिसे पेन किलर्स कहते हैं, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं। असेंशियल हाइपरटेंशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, पर आजकल यंग एजेस में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ओबेसिटी बढ़ गई है, मोटापा बढ़ गया है, चीनी चिकनाई का लोग परहेज नहीं कर रहे, प्रोसेस फूड फास्ट फूड का चलन बहुत चल गया है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इन सब कारणों से जो हमारी लाइफस्टाइल जो ख़राब हुई है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइफस्टाइल उसमें बहुत बड़ा कारण है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब प्रोसेस्ड फूड मोटापा एक्सरसाइज का ना करना फल का सेवन ना करना सब्जियां ना खाना सलाद ना खाना नमक ज़्यादा खाना, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे दिल पे दबाव बढ़ जाता है, हमारी जो आर्टरीज हैं उन पे दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे कि आर्टरी सिकुड़ जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर से हमारे दिल को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको उस ब्लड हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में ब्लड भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की भी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी दिमाग की नसों में भी सिकुड़न शुरू हो जाती है, और उसमें क्लॉटिंग आने का डर रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस का भी डर बना रहता है हाइपरटेंशन में। ब्लड प्रेशर में और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि हमारी आंखों में धुंधलापन, हमारी आंखों का जो रेटिना होता है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, हमारी जो किडनीज होती हैं उसमें खराबी होना शुरू हो जाती है, और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, किडनी ठीक से काम नहीं करती है, किडनी सिकुड़ जाती हैं। आइए समझते हैं ब्लड प्रेशर में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। 50% तो ब्लड प्रेशर में सिम्टम्स ही नहीं आते, इसी वजह से हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। मरीज को सालों साल पता ही नहीं चलता कि उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, क्योंकि वो अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक भी नहीं कराता और उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं आते, पर अंदर ही अंदर ये जो ब्लड प्रेशर है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये नुकसान पहुँचाता रहता है, आपकी आर्टरीज में नुकसान पहुँचाता रहता है, आपकी किडनीज में नुकसान पहुँचाता रहता है। और जब कई सालों बाद हम किसी वजह से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं या हमें कोई बीमारी घेरती है, हमारा बीपी चेक होता है वो ज़्यादा निकलता है, हमें पता चलता है कि हमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की बीमारी है। तो ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर, कई बार हमें मालूम नहीं होता कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, इसलिए हमेशा समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। पर ब्लड प्रेशर के मरीजों में सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि किसी को हेडेक होता है, किसी को सीने में भारीपन होता है, किसी की सांस फूलती है, थकावट होती है, या फिर ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जब वो आने लग जाते हैं, जैसे कि आँखों का धुंधलापन, पेशाब कम हो जाना, सूजन आ जाना, या फिर हार्ट अटैक की जैसी बीमारियाँ, इनकी वजह से भी जब ब्लड प्रेशर का पता चलता है। आप समझते हैं कि ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें चीनी चिकनाई का परहेज करना पड़ेगा, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, हमें वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, नमक कम खाना चाहिए हमें, हमें फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, मौसमी फल खाने चाहिए, शुगर का सेवन कम कर देना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ब्लड प्रेशर के मरीजों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, दवाइयों खाने में लग जाते हैं और हम लाइफस्टाइल पे ध्यान ही नहीं देते, जबकि जो पहला काम होता है ब्लड प्रेशर के मरीज में वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, अगर लाइफस्टाइल बदलने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता है तब आपको मेडिसिन शुरू करनी है, या फिर ब्लड प्रेशर आपका जब आपका डिटेक्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा था 180-190 तब आप सीधे दवाइयाँ शुरू करिए, साथ में लाइफस्टाइल भी मॉडिफिकेशन करिए। तो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर आती है हमारी डॉक्टरी सलाह। जी हाँ, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, वो कह रहा मेरी माँ ये दवाई खाती थी, मेरे पिताजी ये दवाई खाते थे, हमने भी वही दवाई खा ली। जी नहीं दोस्तों, ब्लड प्रेशर के मरीज की, हर एक मरीज की अलग दवाई चलती है, डिपेंडिंग कि उसको क्या कंडीशन है। किसी का ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट रेट कम चल रही है तो आप उसे कुछ और मेडिकेशन देंगे, हार्ट रेट ज़्यादा चल रही है तो आप उसे कुछ और मेडिकेशन देंगे, पेशेंट को सूजन है तो आप उसे कुछ और मेडिकेशन देंगे, पेशेंट की किडनी पर डैमेज आ चुका है तो आप उसे कुछ और मेडिकेशन देंगे, पेशेंट के हार्ट में डैमेज आ चुका है यानी कि उसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो चुकी है तो आप उसे कुछ और मेडिकेशन देंगे। तो सारे ब्लड प्रेशर के मरीज एक जैसे नहीं होते, पहली बात तो हमें यह समझनी होगी। ये नहीं है कि मेरे पिताजी एमलोडिपिन खाते थे या मेरी माताजी टेलमिसार्टन खाती हैं तो मेरे को भी वही बीमारी, वही दवाई खानी है। सब पेशेंट्स के लिए अलग अलग दवाई सेट होती है, वो आपका फिजिशियन, आपका कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी दवाई ज़्यादा सूट करेगी। फिर
कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो साइड इफेक्ट हो सकता है मेरे को आए, हो सकता है आपको ना आए, तो हर पेशेंट को साइड इफेक्ट के हिसाब से भी उसकी दवाइयाँ चेंज करी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दवाई एक मरीज को फ़ायदा कर रही है तो वही दवाई दूसरे मरीज को भी फ़ायदा करेगी, हो सकता है दूसरे मरीज में साइड इफेक्ट्स आए हैं, तो आपको साइड इफेक्ट का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, मतलब आम पब्लिक इसको नहीं कर सकती। आपको ये नहीं कभी करना कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपने केमिस्ट वाले से पूछ के खा ली, या आपने अपने किसी रिश्तेदार से या अपने घर वालों से पूछ के खा ली, या किसी फ्रेंड से पूछ के खा ली। आपको एक क्वालिफाइड MD डॉक्टर या DM कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो डिसाइड करेगा कि पहले तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दी जाए या आपको सीधे दवाई दी जाए, वो आपका डिसीजन, वो डिसीजन लेगा। तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको बताएगा, आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएगा, जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ECG होता है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएगा, उन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपको दवाइयाँ देगा। फिर ऐसा नहीं है कि आपको उसने आज दवाइयाँ लिख दी पर्चे पे, वो दवाइयाँ आपने खाना शुरू कर दिया और आप साल भर बार भूल गए, आपने सोचा कि मेरे को तो अब यही दवाई खानी है ज़िंदगी भर और उसके बाद आप कभी डॉक्टर पे नहीं गए। जी नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको दवाइयाँ खानी है, फिर आपको डॉक्टर बुलाएगा, हो सकता है फर्स्ट विजिट पे आपको 7 दिन बाद या 10 दिन बाद बुलाए, वो देखेगा कि उन दवाइयों पे आपका BP कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे, फिर उस हिसाब से उसकी डोज को टाइट्रेट करेगा वो। और फिर भले ही उसके बाद वो आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बुलाए, लेकिन जब जब आपका डॉक्टर आपको बुलाए आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपकी डोज वही सेट करेगा। आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आएंगे तो आपको उसकी मदद से दूसरी दवाई लीजिए या डोज रिडक्शन कराइए, तो ये सब आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा। तो कभी भी ब्लड प्रेशर के मरीज सबसे ज़्यादा जो लापरवाही करते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दो ही गोली आती है, यही दो गोली हम खा लेंगे और हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हर पेशेंट अपने आप में अलग है, हर दवाई का उस पर अलग इफेक्ट आता है, हर इंसान पे साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग अलग आ सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, वो ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या दवाई चलेगी, किस डोज में चलेगी। आइए ब्लड प्रेशर की कुछ कॉमन दवाइयों के बारे में भी समझ लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ दवाइयाँ होती हैं उसमें हम डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि थायराइड्स यूज़ करते हैं हम उसमें यूरिन के द्वारा, यूरिन थोड़ा ज़्यादा होने लगता है जिससे ब्लड प्रेशर डाउन होता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स होती हैं जो हार्ट रेट कम करती हैं, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको थोड़ा घटाते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। जिनको टैकीकार्डिया रहता है यानी कि जिनकी धड़कन ज़्यादा रहती है या जो लोग एंजाइटी में रहते हैं उनको बीटा ब्लॉकर बहुत फ़ायदा करते हैं। पर जैसे कि ओल्ड एज में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं जिसमें कि एमलोडिपिन होती है, तो वो ओल्ड एज में जिसमें सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक BP तो बढ़ गया पर डायस्टोलिक नॉर्मल रहता है, उसमें एमलोडिपिन का यानी कि ओल्ड एज में एमलोडिपिन का बहुत अच्छा रोल है। एमलोडिपिन स्ट्रोक को भी कम करती है। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको, जिनको डायबिटीज़ है उनको ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें ACE इनहिबिटर्स और ARB यानी कि रामिप्रिल और लोसार्टन टेलमिसार्टन ये बहुत अच्छा काम करती हैं क्योंकि ये किडनी को भी सेफ करके रखती हैं। तो ये कुछ कॉमन मेडिकेशन है। प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जैसे हम प्री एक्लेम्शिया के नाम से जानते हैं, पर प्रेगनेंसी में हम वो दवाइयाँ नहीं देते हैं जो रूटीन लाइफ में हम देते हैं, उनकी अलग दवाइयाँ होती हैं। इसलिए कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपको कौन सी दवाई सूट करेगी और आप वो दवाई लीजिए। हर पेशेंट अलग दवाइयों पर सेट होगा। हाइपरटेंशन में मेडिटेशन और योगा का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मेडिटेशन योगा से हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो टेंशन एंजाइटी होती है, वो कम हो जाती है। टेंशन एंजाइटी लेने से शरीर में कुछ ऐसे केमिकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमें डेली जो गाइडलाइंस कहती हैं कि 30 मिनट्स अ डे एटलीस्ट 5 times a week इतनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। वो मिक्स कर सकते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज जो है मिक्स ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, थोड़ी जॉगिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। अभी लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं वो जो पूछते हैं और जो जवाब हम उनको देते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल तो जो पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमें ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? ये डिपेंड करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, 200 के पार रहता है, तो हो सकता है आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़े। पर आपका अगर ब्लड प्रेशर 150 160 रहता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी दवाई बंद हो जाए। तो ये फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, मतलब आप किस तरह से लाइफस्टाइल आपकी आप मॉडिफाई करते हैं, बॉडी आपकी कैसा रिस्पॉन्स करती है, दवाइयाँ आप पे क्या असर डालती हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हम ये जवाब देते हैं उनको कि हो सकता है खानी पड़े, हो सकता है कि आपकी दवाई या तो डोज कम हो जाए या छूट भी सकती है अगर आप लाइफस्टाइल अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हो।
दूसरा एक सवाल होता है, अक्सर मरीज पूछते हैं, जो पेशेंट खासकर जो नॉन कंप्लाइंट होते हैं अपनी दवाइयाँ समय पर, वो कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है, जो कभी कंट्रोल नहीं होती, हमारा ब्लड प्रेशर तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसा कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, जो कंट्रोल ना हो। अगर आप ठीक से मेडिकेशन दें और पेशेंट ठीक से सब फॉलोअप करें तो सारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होते हैं 100%, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, मेरे पास ऐसा पेशेंट भी आया है जिसका 240 बीपी रहता है। कई ऐसे पेशेंट आए जो 200-220 से ऊपर वाले पेशेंट थे, जो कहते थे साहब हमने खूब दवाइयाँ कर ली पर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। उनके ब्लड प्रेशर भी जब हमने स्ट्रिक्टली उनकी दवाइयाँ उनको फॉलो कराई, उन्होंने अपनी दवाइयाँ कंप्लाइंटली खाई, तो उनका भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ। उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो उनका भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो सकता, कितना भी बीपी हो, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल होता है। एक और सवाल हमारे पेशेंट्स का रहता है, जो थोड़े पुअर पेशेंट होते हैं वो दवाइयाँ अफोर्ड करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि सब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, हम इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकते। तो इनके लिए ये जवाब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सबको महंगी दवाइयाँ दें, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत सस्ती आती हैं, जैसे कि एमलोडिपिन है, लोसार्टान है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, ये बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, अर्कामिन है, ये बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, इनसे भी ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो ये दिमाग में हमारे एक मिथ होता है कि जो महंगी दवाई होगी वो अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं जनरल बता रहा हूँ कि इवन हमारे हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप महंगी वाली गोली खाएंगे तो आपको ज़्यादा असर करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सस्ती दवाइयाँ, बहुत बेसिक दवाइयाँ से भी आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ कंट्रोल होती हैं। एक सवाल जो मरीज़ अक्सर पूछते हैं कि नमक के बारे में, ब्लड प्रेशर के, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको नमक कम लेना चाहिए, तो नमक कैसे कम करें? मतलब कोई नाप नहीं पाता कि साहब हम कैसे नापें कि हम नमक कम करें। तो सीधी सी बात है, आपको हाइपरटेंशन है, आप देखिए आप जो अभी नमक ले रहे हैं आप उसकी क्वांटिटी कम करिए, आप वॉच करिए, आप अलग से अचार, चटनी, पापड़, इस तरह की चीज़ तो नहीं ले रही है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उसको कट डाउन करिए। घर में जो आपके लिए खाना बनता है अपने घर में बोलिए कि वो जो नमक आप डालें वो आधा कर दें। तो इस तरह से आप अंदाजे से आपको पता चल जाएगा कि आप अपने नमक की डोज घटा पा रहे हैं। तो नमक कम करने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। क्या ब्लड प्रेशर का इमोशन से भी कुछ लेना देना है? जी हाँ, जब हम गुस्सा करते हैं या फिर जब हम टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए। एक और सवाल जो पेशेंट पूछते हैं हमसे कि उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल फ्लक्चुएट कर सकता है आपके इमोशंस के लेवल पे, आपके खान पान के लेवल पे, या सर्दियों में ब्लड प्रेशर के मरीजों का अक्सर बीपी बढ़ जाता है, तो या फिर जब आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो उस दौरान भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर आप गर्मियों में पसीने जब ज़्यादा आए हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, इसलिए आप अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। आप ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट घर पे ले सकते हैं, बड़े आराम से उससे बीपी नाप के देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर का चार्ट बना सकते हैं, वो चार्ट जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएं तो उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप भी ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। आप इन नियमों को पालन करिए जो बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि भविष्य में भी आपको अच्छी वीडियोज़ ऐसी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।